क्योंकि इस गिरोह में और भी अभियुक्त हैं, उनकी भी कितने अभी तक जानकारी में पता चला। देखिए अभी इनका मोटा मोटी जो गिरोह है इनका 15 से 20 लोग इसमें संलिप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं साठू, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। जिस तरह 19/8/2024 को बैपास थाना क्षेत्र के चमरची क्षेत्र में एक वेयर हाउस में दो निजी गार्डों को बंधक बनाकर देर रात्रि में एक दर्जन के लगभग अपराध कर्मियों ने काफ़ी लूटपाट की है। इस लूटपाट में देखिएगा तो बैटरी, तमाम तरह के जो उपकरण जो है, जो इस्तेमाल करने वाले चीज़ होती है, उस चीज़ को लूटकर 3 पिकअप वैन से लेकर चला जाता है। मामला सब संज्ञान में जब आता है तो काफ़ी हलचल मच जाती है, और जब देखा जाता है तो पटना सिटी में इस तरह की देर रात्रि में गार्ड को बंधक बनाकर एक बड़ी लूट है। इसमें इस पूरे मामले में देखिएगा तो बड़ी पदाधिकारी और DIG सिटी SP के निर्देश और पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के टीम गठित कर उन अपराध कर्मियों को दबोचने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे प्रकरण में जब देखिएगा तो एक प्रेस वार्ता कर पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के SDPO डॉक्टर गौरव कुमार जी एक प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कर जरा उनकी बात को सुनते हैं। प्रेस ब्रीफ है वो बाईपास थाना कांड संख्या 377/24 के संदर्भ में है। दिनांक 18 और 19 के रात्रि को तकरीबन 10 से 12 अपराध कर्मी मरचा रोड, जो कि बाईपास थाना क्षेत्र में वहाँ पर स्थित है, वहाँ पे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का एक वेयर हाउस है, वहाँ पे ये अपराध कर्मी अंदर घुसते हैं और दो गार्ड को बंधक बनाते हैं, और बंधक बनाने के उपरांत वो वेयर हाउस से वहाँ पे तार, बैटरी और एक कंप्यूटर और उसके साथ साथ DVR और अन्य सामान जो है वहाँ से लूट के 3 पिकअप जो कंटेनर वैन है उसके ऊपर उसको लोड करते हैं और वहाँ से घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। इस संदर्भ में इसी क्रम में वहाँ के जो प्रबंधक हैं जो वेयर हाउस के, वो एक प्राथमिकी दर्ज कराते हैं बाईपास थाना में, और कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है, और ये टीम तकरीबन 50 CCTV कैमरा को खंगालती है और वैज्ञानिक साक्ष संकलन के उपरांत और जो गुप्तचर के सूचना संकलन के उपरांत 9 अभियुक्त को, जो मुख्य अभियुक्त हैं, गिरफ्तार किया जाता है। और जो अनुसंधान की जो प्रगति है वो इस प्रकार है, सबसे पहले इस टीम ने जो पिकअप वैन इसमें यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है इस पूरे कांड में, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसके साथ साथ उसके ड्राइवर को आइडेंटिफाई करती है, और जब भी आइडेंटिफिकेशन के बाद ये टीम 25/8/24 को विवेक कुमार को दीदारगंज से गिरफ्तार करती है, जो कि चालक है उस पिकअप वैन का, और उसके निशानदेही पे अन्य 8 लोग की गिरफ्तारी जो है ये टीम सुनिश्चित करती है। और सबसे पहला गिरफ्तारी जो है सोनू कुमार, जो कि मेन जो इसके लीडर हैं इस टीम के, इस गिरोह के जो षड्यंत्रकर्ता जो हैं मेन, वो सोनू कुमार, उनको दीदारगंज से गिरफ्तार किया जाता है, और सोनू कुमार के पास से एक कट्टा, 2 जिंदा गोली और एक मिसफायर गोली जो है वो बरामद किया जाता है। और उसके साथ साथ ये टीम उसी दिन सामान जिस गोदाम में बेचा गया है उसके मालिक परी कुमार को आलमगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करती है, और इस घटना में अन्य जो अभियुक्त शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी ये टीम सुनिश्चित करती है, जो कि निम्न प्रकार हैं। रंजीत कुमार, जो कि नदी थाना से गिरफ्तारी इनकी हुई है, कुंदन कुमार, जिनकी गिरफ्तारी नदी थाना से हुई है, साहिल कुमार, जिनकी गिरफ्तारी नदी थाना से किया गया है, नीरज कुमार, जिनकी गिरफ्तारी दीदारगंज से हुई है, ऋषु प्रसाद, जिनकी आलमगंज से गिरफ्तारी की गई है। ये जो ऋषु प्रसाद हैं, ये कबाड़ी गोदाम जो है परी कुमार का, उसके ये सहयोगी हैं। उसके बाद सतीश प्रसाद, इनकी गिरफ्तारी आलमगंज से हुई है, ये भी जो है परी कुमार जो हैं जिनका गोदाम था उनके सहयोगी हैं, जहाँ पे सामान बेचा गया है। और इस टीम ने पिकअप वैन, कट्टा, गोली के साथ साथ 4 एंड्रॉइड फ़ोन उसकी उसको सीज़ किया है, उसके साथ साथ 20 मीटर तार तथा 23 अर्तन तांबा का पत्थर, उसकी भी बरामदगी इस टीम ने की है। ये पूरा जो गिरोह है वो RK नगर, बाईपास, दीदारगंज, मेहंदीगंज, अगमकुआं, इस पूरे क्षेत्र में ये गिरोह सक्रिय है। और इस कांड का सफल उद्भेदन में SHO बाईपास राजेश कुमार झा,
एडिशनल एसएचओ संजय कुमार और उसके साथ साथ डीआईयू प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष, इनकी अहम भूमिका है। और इस छापेमारी दल में कुअनी हर्षवर्धन, परिक्षान कुअनी गुंजेश कुमार, सहनी लल्लन कुमार, सहनी मनीष कुमार, सहनी विनोद कुमार, सिपाही प्रवीण कुमार, बबलू कुमार और हरेराम मांझी इस टीम में सम्मिलित किए गए थे। और जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी जो है उसको चिन्हित कर लिया गया है और शेष जो भी बरामदगी है उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है। और एक स्पेशल टीम जो है, एक अलग टीम पुलिस अधीक्षक पूर्वी के द्वारा गठन किया गया है, जो जितने भी कबाड़ के दुकान हैं उनका जो है सत्यापन और जाँच ये टीम जो है इस पूरे एरिया में लगातार कर रही है, निरंतर कर रही है। ये थे पटना सिटी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी खंड 2 के SDPO डॉक्टर गौरव कुमार ने 9 अपराध कर्मियों को दबोच लिए हैं और साथ में जब देखा जाता है तो 10 दिन के अंदर में इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले को उद्भेदन किया गया। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।